What's up guys, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि कितना ज्यादा हाउ मच नारुतो इज पावरफुल आफ्टर द डेथ ऑफ कुरामा, यानी कि नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल है कुरामा के मरने के बाद। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन द वीडियो। रुको जरा, वीडियो शुरू करने से पहले इस महीने 50 सब्सक्राइबर्स हिट करना है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को एक लाइक दे देना, थोड़ा और सपोर्ट दिखाना है तो शेयर भी कर देना। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, इंट्रो लगा दो यार। इशिकी से बैटल के दौरान नारुतो और कुरामा बैरियन मोड को एक्सेस कर लेते हैं। बैरियन मोड को एक्सेस करने के लिए एक बीजू यानी कि टेल बीस्ट और एक जिनचूरी की मैंडेटरी है। बैरियन मोड को इस्तेमाल करने के लिए या फिर उसको अचीव करने के लिए एक बीजू और एक जिनचूरी की का रिलेशनशिप इतना ज्यादा गहरा होना चाहिए और उसी के साथ साथ प्योर भी होना चाहिए जिससे कि वो इस मोड को अचीव कर पाए। हमें पता ही है कि नारुतो और कुरामा का रिलेशन कितना ज्यादा गहरा और प्योर था। मैं फोर्थ ग्रेड निंजा वार वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। उससे पहले तो नारुतो को कुरामा बहुत ज्यादा हेट करता था, मतलब कि हद से ज्यादा। उसको ये बात हजम ही नहीं होती थी कि मिनाटो ने कुरामा के हाफ को एक बच्चे के अंदर डाल दिया। अरे मैं टॉपिक से क्यों भटक रहा हूँ। हाँ, तो मैंने आपको बैरियन मोड के बारे में एक शॉर्ट सी जानकारी दे दी है। अब मेन टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं जो की है नारुतोस रियल पावर विदाउट कुरामा या फिर आफ्टर द डेथ ऑफ कुरामा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नारुतो इज एन उजुमाकी, उसमें नामिकाजी का भी ब्लड है, लेकिन उजुमाकी का ब्लड होने के कारण नारुतो के पास और लोगों से काफी ज्यादा अमाउंट में चाक्रा है, यानी कि दूसरों से 4 से 5 गुना तक चाक्रा नारुतो ऐसे ही होल्ड कर लेता है। और हाँ, ये मैं विदाउट कुरामा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको तो याद ही होगा नारुतो का फर्स्ट एपिसोड, मैं उस नारुतो की बात कर रहा हूँ जो कि नारुतो शिपंडन से पहले आया था, जिसमें कि नारुतो थोड़ा छोटा है। आपको याद आ रहा होगा फर्स्ट एपिसोड जिसमें कि नारुतो फॉरबिडन स्किल सीख जाता है और बहुत सारे शैडो क्लोन्स बनाता है जिसमें कि कुरामा का कोई भी हाथ नहीं था। आप सभी ने देखा होगा कितना ज्यादा चाक्रा कंज्यूम होता है शैडो क्लोन बनाने में, तो इससे तो प्रूव हो जाता है कि नारुतो के पास पहले से ही बहुत ज्यादा अमाउंट में चाक्रा है कुरामा के बिना। नारुतो कुरामा का यूज तभी करता था जब वो आउट ऑफ चाक्रा हो जाता था या फिर बहुत ज्यादा रेज हो जाता था। सेकंड चीज जो सबसे ज्यादा नारुतो को पावरफुल बनाती है वो ये है कि वो एक केके गैंग का यूजर है और उसी के साथ साथ नारुतो यिंग रिलीज, यांग रिलीज और यिंग यांग रिलीज दोनों एक साथ कर सकता है। मैं 6 पाथ्स पावर पे भी जल्दी आऊंगा। उससे पहले एक और चीज, नारुतो के पास बाकी 8 बीजू यानी कि 1-2-8 टेल्स तक जितने भी बीजू हैं उन सभी का चाक्रा थोड़े अमाउंट में नारुतो के पास है, जिसका यूज नारुतो डेल्टा के खिलाफ करता है एक लावा स्टाइल राशिंगान शुरिकन बनाकर और मैग्नेट स्टाइल राशिंगान मादरा के खिलाफ। इसीलिए नारुतो एक स्पेशल जिनचूरी की है जिसके पास कुरामा तो था और उसी के साथ साथ बाकी टेल बीस्ट का भी चाक्रा था। अब बात कर लेते हैं 6 पाथ्स की पावर के बारे में। कुरामा के मरने के बाद सब लोग तो यही सोच रहे हैं कि 6 पाथ की पावर नारुतो के पास अब नहीं है, लेकिन हागोरोमो ने 6 पाथ्स की पावर तो नारुतो को दी थी, ना कि कुरामा को दी थी। ये अलग बात है कि नारुतो ट्रुथ सिकिंग ऑब्स नहीं बना सकता, नारुतो के पास 6 पाथ की पावर नहीं है। ऐसा हम इसीलिए सोचते हैं क्योंकि नारुतो 6 पाथ की पावर ज्यादा इस्तेमाल करता ही नहीं है। नारुतो ने 6 पाथ की पावर लास्ट तब इस्तेमाल किया था जब वो सास्के से फाइनल बैटल करता है। उसके बाद नारुतो ने 6 पाथ की पावर तब इस्तेमाल किया था डेल्टा के बैटल के दौरान। डेल्टा जब नारुतो के एब्डोमेन में एक होल कर देती है विथ अ साइंटिफिक टूल, तब नारुतो दूर जाकर उसे तुरंत ही रीजनरेट कर लेता है। ये भी 6 पाथ की पावर में से ही एक है। नारुतो के पास हीलिंग पावर्स तो हैं, लेकिन रीजनरेटिव पावर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इतनी जल्दी एक घाव को जो कि उसके ऑर्गन्स तक डैमेज कर चुका था इतनी जल्दी रिकवर कर ले। और नारुतो जब 6 पाथ की पावर अपने फुल पोटेंशियल पे यूज करता है तब उसका अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है, लेकिन सास्के से बैटल के बाद नारुतो ऐसा एक बार भी नहीं दिखा है। इसका एक सिंपल रीजन भी है, नारुतो जितना चाहे 6 पाथ की पावर इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन वो अपने और कुरामा के पावर पर सबसे ज्यादा रिलाय करता था, इसलिए उसने कभी 6 पाथ की पावर इतनी ज्यादा इस्तेमाल की ही नहीं। वैसे ये यिंग रिलीज और यांग रिलीज और दोनों एक साथ यिंग यांग रिलीज, ये दोनों ही 6 पाथ की पावर है जो कि नारुतो को क्रिएशन की पावर तक देती है। और इन सब के साथ साथ नारुतो बहुत तरह के अल्टीमेट जुत्सु भी जानता है, जो अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस, यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स इज देयर, और प्लीज यार इस महीने का 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। पीस आउट।